Good morning! Welcome back to the channel Indian Simple Lifestyle in USA. So, मैं हूँ देबुलीना. आज संडे मॉर्निंग है. सुबह अभी नाइन हो रहा है, नौ बज रहा है. मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ. उसके बाद मैंने अपनी मम्मी पापा से बात किया और अभी मैं अपने इन लॉज से भी बात कर लूँगी थोड़ा सा ओवर द फोन. व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग कर लेंगे थोड़ा सा, तो ऑलमोस्ट आधा घंटे तक तो उधर पे भी बात हो जाएगा. उसके बाद मैं अपना डे शुरू करूंगी. आज भी मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी. सैटरडे संडे मोस्टली मैं एक्सरसाइज या कोई भी मतलब एक्सरसाइज या बाहर थोड़ा सा वॉकिंग के लिए वैसा नहीं होता है. हम लोग मोस्टली हम लोग थोड़ा सा निकल जाता है शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे अंश को लेके बाहर, ताकि वो भी थोड़ा सा खेल पाए. उसी टाइम पे हम लोग थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं. तो सैटरडे संडे ऐसे ही होता है. तो मॉर्निंग आज बहुत अच्छा है. आज का वेदर अच्छा ही लग रहा है. बहुत ज़्यादा अभी भी धूप नहीं है. तो देखते हैं आज का वेदर कैसा होता है. और आज का बेस्ट पार्ट यह है कि मुझे आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो आज मेरे हस्बैंड खाना बनाएंगे. तो ये वॉच आप देख रहे हो, इससे ना कभी मतलब कि ऐसा नहीं सोचना कि ये वॉच ठीक से चल रहा है. ये बहुत फास्ट है. अभी 10 o'clock दिखा रहा है. अभी 10 o'clock नहीं हुआ है, अभी 9 o'clock ही हुआ है. और जब इधर पे डेलाइट सेविंग होता है ना इस पे, तो वो भी जब चल रहा था तब भी मैं इसका चेंज नहीं किया था. इसका जो टाइमिंग चेंज नहीं किया था. मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग ज़्यादा देखने से मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करूँगी. ऑल मिथ, आई नो वट इज़ द एग्जैक्ट टाइम ऑलवेज, फिर भी वो एक मिथ है और वो मिथ पे मैं चलती हूँ. तो अभी आज का खाना राजीव बनाएगा. हाँ, मैं राइस या जो भी है बना लूँगी. आज चिकन राजीव बनाएगा. कुछ एक स्पेशल टाइप का चिकन बनेगा. तो जो भी हो, वो रेसिपी एक्चुअली मैं अपने कुकिंग चैनल पे दूंगी, पर मैं एंड रिजल्ट ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी. एंड राजीव कभी कभी तो कुक करता है, पर वो जब कुक करता है ना, वो बहुत बहुत अच्छा कुक करता है. इज़ अ वेरी गुड कुक. तो आज तो मेरा एकदम से मज़ा है, एकदम संडे वाली मज़ा चल रहा है कि मुझे कुकिंग नहीं करना पड़ेगा. यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, जो हर एक दिन कुकिंग करता है ना, वो अगर एक दिन भी उन लोगों को एक इवन मतलब कि लंच भी नहीं बनाना पड़े या डिनर भी नहीं बनाना पड़े ना, हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मैंने कल तो रात मतलब कि किचन ऑलमोस्ट मेरा क्लीन है. इधर उधर थोड़े बर्तन पड़े हुए हैं, पर हाँ किचन मेरा मोस्टली क्लीन है. तो मैं अभी चाय बना लूँगी, पर मेरे लिए नहीं. मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं चाय या कॉफ़ी मोस्टली नहीं पीती हूँ. कभी कभी बहुत मन किया मैं चाय पी लेती हूँ, पर कॉफ़ी मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी का स्मेल मुझे अच्छा नहीं लगता है. अच्छा नहीं लगता है मतलब कि मेरा सर में मतलब हेडेक हो जाता है मुझे. मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं कॉफ़ी तो आज नहीं मतलब कॉफ़ी मैं नहीं पीती हूँ, चाय भी नहीं पीती हूँ. पर हाँ, मुझे राजीव के लिए कॉफ़ी या चाय बनाना पड़ता है. कॉफ़ी भी वो भी कम पीता है, पर हाँ चाय वो मोस्टली सैटरडे संडे तो 2-3 बार उसका हो ही जाता है. तो अभी भी वो दोनों ही सो रहे हैं, अंश और राजीव. तो वो लोग उठ जाए, मैं चाय बना लूँगी. थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में कुछ खाना है तो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट का भी कुछ बना लेंगे, एग्स का कुछ बना लेंगे या कुछ और खाना होगा. पोहा बना लूँगी. हाँ, आज मैं पोहा भी बना सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लंच नहीं बनाना पड़ेगा. तो मैं सुबह सुबह अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट बना के दे दूँगी. पोहा जल्दी भी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. तो मैं कैसे पोहा बनाती हूँ, अगर मैं बनाऊँ ना, आज आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी. और होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉगिंग अच्छा लग रहा है. प्लीज़ लेट मी नो अगर आप लोगों को कुछ और भी देखना हो और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ मेरा व्लॉगिंग. आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए मैं क्या और दिखा सकती हूँ, या कैसे आप देखना चाहते हो, क्या क्या देखना चाहते हो, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ. आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं. मैं कोई एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं. सो प्लीज़ आप लोगों का जो भी है कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखेगा. तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए क्या है क्या नहीं है. और अगर आप
आप लोगों का भी लाइफस्टाइल मेरे से रिलेट कर सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए और मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आके फिर से, मतलब कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है राइट, कोई भी काम आप कीजिए तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग आप लोगों के लिए बना सकूँ। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो योर थाट्स। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं, संडे है, फंडे बनाते हैं इसको। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट पोहा। तो मैं पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लूंगी, इतना काफी होगा। तो ये थोड़ा सा गरम हो जाए, तो ऑयल थोड़ा सा गरम हो चुका है। अभी मैं इसमें पीनट्स दे दूंगी। मैं आज थोड़ा सा पीनट्स भी यूज़ करूंगी और थोड़ा सा कैश्यूज भी यूज़ करूंगी। तो अभी पीनट्स को मैं अच्छे से, मतलब कि फ्राई कर लूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अभी ये गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, मैं तो अभी मैं इसको उठा के रख दूंगी और अभी मैं थोड़ा सा कैजू फ्राई कर लूंगी। बस हो गया कैजू फ्राई होने में, मतलब कैजू फ्राई होने में तो बहुत ही कम टाइम लगता है। तो ये हो चुका है, मैं इसको भी उठा के अलग से रख दूंगी। इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, तो अभी ये थोड़ा सा क्रैकल हो रहा है और इस पर मैं दे दूंगी थोड़ा सा, मेरे पास था करी लीव्स, सो मैं करी लीव्स ऐड कर दूंगी और उसके तुरंत बाद ही मैं इस पर अनियन, चॉप्ड अनियन ऐड कर दूंगी। तो अभी इसको एक दो मिनट तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे और इसके बाद मैं इस पर दे दूंगी पोटैटो क्यूब, आलू, पर आलू ऑप्शनल है, हम लोगों को अच्छा लगता है इसलिए हम लोग देते हैं। तो थोड़ा ग्रीन चिली चॉप, और अभी मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर देके इसको मिक्स करके फिर फ्राई कर, मतलब जब तक आलू ना थोड़ा पूरा कुक हो जाए तब तक मैं पका लूँगी। तो सॉल्ट और थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, मोस्टली सभी के घर में ये पोहा तो बनता ही है पर ये मेरा वर्शन है, एक बार ट्राई कर सकते हैं, अच्छा बनता है काफ़ी। मैं इसको ढक दूंगी और 5-6 मिनट तक इसको थोड़ा सा ढक के पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि आलू भी गल जाए इसका। तो अभी देखिए ये बिल्कुल बन चुका है, आलू भी बॉयल हो चुका है अच्छे से। तो अभी मैं इस पर, मैंने पोहा सोक्ड करके, मतलब पोहा अच्छे से मैंने इसको धो के फिर क्लीन करके बस रख दिया था। मैं सोक्ड नहीं करती हूँ पोहा को, पर मैं ऑलमोस्ट 1 मिनट तक रनिंग वाटर में धो लेती हूँ तो उससे ही पोहा नरम हो जाता है। तो मैंने देखा है अगर मैं पोहा सोक्ड करती हूँ ना वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और वो खिला खिला नहीं रहता है, तो इसलिए मैं पोहा सोक्ड नहीं करती हूँ। फिर मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी और जैसे पीनट और कैजूज भी अभी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से अभी मिलाना है, बस रेडी हो जाएगा हम लोगों का पोहा। और इस पे थोड़ा सा अभी मैं
सिलेंट्रो ऐड कर दूंगी। बस ये बन चुका है, रेडी है हम लोगों का संडे का ब्रेकफास्ट। और इसके साथ मैं इधर पे चाय भी रेडी हो चुका है, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट ये राजीव के लिए है इसलिए चाय है इसमें, तो मैं सिर्फ पोहा खाऊंगी और अंश भी थोड़ा सा शायद पोहा खाएगा नहीं तो। तो चलिए हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद लंच तो आज मुझे बनाना है नहीं, तो ये एक थोड़ा सा रिलीफ है। तो मैं घर का थोड़ा बहुत काम कर लूँगी और देखते हैं कुछ, शायद मुझे एक रेसिपी बनाना है मेरे कुकिंग चैनल के लिए, वो मैं बना लूँगी। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मेरा घर पूरा साफ हो चुका है, नहाना हो चुका है और अभी मैं पूजा दे दूंगी और उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। नहीं उसके बाद नहीं, एक्चुअली उसके बाद अंश को खाना खिलाना पड़ेगा, वो खाना खा लेगा उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और चिकन ऑलमोस्ट ऑनगोइंग प्रोसेस में है, अभी पूरा बना नहीं है फुली और थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट में चिकन भी हो जाएगा। तो मैं पहले पूजा दे देती हूँ उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ चिकन कैसे बन रहा है, आज थोड़ा सा डिफरेंट वे पे भी बन रहा है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे चिकन बन रहा है। तो पहले पूजा दे देते हैं। तो इधर पे बन रहा है राजीव का चंपारण चिकन। सो उसने सब कुछ मिला के कुछ वे है उससे बनाए हैं और इसको पूरा सिल करके और एक तवे के ऊपर रख के, देखिए ये बन रहा है, दिखने में तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अंश भी अभी खाना खा रहा है उसका, मैं थोड़ा बहुत दे देती हूँ वैसे ही और जितना खाए खुद से वो खा ले, फिर उसके बाद हम लोग उसको मतलब जितना उसका मतलब के बचा हुआ रहता है, नहीं खाना खा मतलब नहीं अपने आप से खाता है वो हम लोग खिला देते हैं। तो आज भी थोड़ा सा ऑब्वियसली लेट है, संडे तो लेट है, तो संडे तो मेरा एकदम से फंडे हो रहा है क्योंकि मैंने बस थोड़ा सा अपना साफ सफाई का काम किया, जैसे कि पूरे लिविंग रूम का साफ सफाई किया, फिर वैक्यूम कर दिए, फिर किचन का तो पोछा ऐसे ही लगाना होता है क्योंकि आज चिकन भी कट हुआ है ना घर में, तो चिकन मतलब कि किचन में मैं पोछा लगा ही देती हूँ, मोप कर देती हूँ, वो सब कुछ हो चुका है। तो हम लोग सोच रहे हैं ना खाना खाने के बाद मैं थोड़ा अपना एडिटिंग करूँगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हम लोग थोड़ा सा एक ट्रेल पे जाएंगे, थोड़ा मतलब ऐसे ही वॉक के लिए, वो ट्रेल बहुत सुंदर है, तो सारे बड़े बड़े पेड़ हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ट्रेल, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वो ट्रेल पे चलते हैं, फिर थोड़ा सा जैसे 4-4:30 बजे निकल जाएंगे, फिर 6 बजे तक हम लोग घर भी लौट आएंगे क्योंकि कल से फिर से ऑफिस है राजीव के, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सब कुछ फिनिश
फिनिश करके सोने का भी होता है. तो यही है, यही सब चल रहे हैं, चल रहा है. तो ये जो चंपारण चिकन जो आज राजीव ने बनाया ना, वो मैं अपने कुकिंग चैनल में मैं सोची हूँ उसको मैं मतलब अच्छे से मैंने उसका क्लिप्स भी ले लिया है, उसका वीडियो बना लिया है. तो उसको मैं कुकिंग चैनल में पोस्ट करूँगी. तो मैं जब पोस्ट करूँगी मैं आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दूँगी कि आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हो. इसके पहले भी वो एक बार इसको बनाया था, राजीव ने एक बार इसको बनाया थे, बहुत अच्छा होता है खाने में. आज भी मैं टेस्ट करने के बाद आप लोगों को बताऊँगी. और आज हम लोगों का मेन्यू बहुत सिंपल है, स्टीम राइस है जो बन चुका है और उसके साथ ये चिकन और सलाद बना लूँगी. तो मतलब ऐसे टाइप का चिकन बनता है ना, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है. बस सिर्फ प्लेन राइस हो उसके साथ ही, बस और चिकन ही हो और ज़्यादा कुछ और ना बनाऊँ. रुको मैं फ़ोन रख देती हूँ, तो और ज़्यादा कुछ ना बनाऊँ. तो ऐसे बस बन चुका है सब कुछ. और आज रात को भी चिकन मतलब के ज़्यादा ही बनाए हैं, तो रात को भी हो जाएगा. रात में शायद मैं कुछ रोटी या अगर पराठे खाने का मन किया ऐसे कुछ बना लूँगी, बस हो जाएगा. तो आज का दिन बस यही है. और जैसे मैंने पहले भी बताया, आप लोग बताओ मुझे प्लीज़, मैं कैसे अपने ब्लॉग में और क्या क्या इंक्लूड कर सकती हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने आप को. सो चलिए फिर मिलते हैं एकदम से मेरे डाइनिंग टेबल पर विथ माई लंच, संडे स्पेशल लंच. सो ये है राजीव का एंड, मतलब चिकन का, राजीव का नहीं, चिकन का एंड रिजल्ट. दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है. सो ये है मेरा आज का लंच, चंपारण चिकन एंड राइस. अभी हम लोग ऑलमोस्ट मतलब वॉक हो चुका है आधा घंटा, आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है. तो और संडे मतलब इवनिंग का मज़ा आ गया ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल एक ट्रेल पे वॉक करते. तो अभी कुछ देर में हम लोग घर चले जाएंगे और खाना तो बना हुआ ही है, कुछ ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा, रोटी या ऐसे पराठे कुछ बना लेंगे. और चिकन तो है ही जो बहुत ही अच्छा बना था. तो आज मेरा संडे मतलब एकदम से फंडे हो चुका है मेरे लिए, बहुत ही अच्छा अच्छा संडे गया मेरे लिए. तो ये वीकेंड सच में बहुत ही अच्छा था. और ऑब्वियसली ये वीकेंड मैं व्लॉग कर रही हूँ तो बहुत एक्साइटिंग है, न्यू जर्नी है मेरे लिए. तो आज का व्लॉग मैं इधर ही इधर ये सुंदर सी जगह में ही फिनिश कर दूंगी. और कल आप लोगों से फिर से मिलती हूँ. होपफुली आज का व्लॉग अच्छा लगा, इतना सुंदर ट्रेल में, इतना अच्छा नेचर में आप लोगों को भी अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट डाउन कैसा लगा, जो भी आपका थॉट्स है कमेंट डाउन बिलो. और फिर मिलते हैं कल आपसे. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू, बाय.